आज हम इस वीडियो में त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वांग समता के मतलब के बारे में जानेंगे, विभिन्न सर्वांग समता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और सर्वांग समता पे प्रश्न हल करेंगे। सर्वांग सम आकृति वो आकृतियां हैं जिनके आकार और माप समान हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो दो हाथ आप देख रहे हैं, इन दोनों हाथों के आकार और माप एक दूसरों के समान हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दो आकृतियां सर्वांग सम हैं। अगर आप एक आकृति को विस्थापित करते हैं तो जो आकृति बनती है, ये आकृति और जो पिछली आकृति है, ये आपस में सर्वांग सम होती है। इसी प्रकार अगर आप एक आकृति को घुमाते हैं तो जो आकृतियां बनती हैं वो सर्वांग सम होती हैं। इसी प्रकार अगर आप एक आकृति का की छवि आप दर्पण में लेंगे तो वो आकृति भी पहली वाली आकृति के सर्वांग सम होंगी। अब हम त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम है एस ए एस नियम, दूसरा नियम है ए एस ए नियम, तीसरा नियम है ए ए एस नियम, चौथा नियम है एस 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 नियम और पांचवा और आखिरी नियम है आर एच एस नियम। अब हम इन सभी को समझेंगे और उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम ये सीखेंगे कि एक त्रिकोण को बनाने के लिए आपको न्यूनतम कितनी जानकारी की जरूरत पड़ती है। अगर मैंने आपको ए बी भुजा की लंबाई 4 दे दी और एक कोण का माप 36.87 डिग्री दे दिया, परंतु मैंने आपको एसी भुजा की लंबाई 5 नहीं दी, तो इस शर्त का पालन करने वाले अनगिनत त्रिभुज बन सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC1, त्रिभुज ABC3, त्रिभुज ABC2। ये सारे ही त्रिभुज ABC त्रिभुज के समान नहीं है, परंतु अगर मैंने आपको AB भुजा की लंबाई के साथ A का कोण और AC भुजा की दूरी दे दी, तो इस शर्त का पालन करने वाला सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनेगा और ये त्रिभुज ABC त्रिभुज के आकार में आकार से समान होगा। हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है। जिस नियम से ये सर्वांग सम है इसको हम कहते हैं SAS नियम। S का अंग्रेजी में अर्थ होता है साइड, जिसको हम कहते हैं भुजा। एक का अर्थ होता है एंगल, जिसको हम कहते हैं कोण। इसी प्रकार AAS नियम भी होता है, ASA नियम भी होता है। इसमें अगर मैंने आपको AB भुजा की दूरी 4 दे दी और A का कोण दे दिया 36.87 डिग्री और B का कोण दे दिया 90 डिग्री, तो इस शर्त का पालन करने वाला सिर्फ एक ही त्रिभुज बनेगा और वो त्रिभुज ABC के सर्वांग सम होगा। अब हम SAS नियम की परिभाषा देखेंगे। SAS नियम की परिभाषा यह है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो वो SAS नियम के अनुसार सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो दो त्रिभुज आप देख रहे हैं, उसमें सी भुजा और बी भुजा दूसरे त्रिकोण की बी भुजा और सी भुजा के बराबर है और उनके जो अंतर्गत कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ASA नियम ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो दो त्रिभुज ASA नियम के अनुसार सर्वांग सम होते हैं। इसी प्रकार AAS नियम के अनुसार यदि आपके पास एक त्रिकोण के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिकोण के दो कोण और एक भुजा के बराबर है, तो दो त्रिकोण AAS नियम के अनुसार सर्वांग सम है, क्योंकि एक त्रिकोण के कोण का योग 180 डिग्री होता है। यदि आप दो कोण जानते हैं तो आपको तीसरा कोण पता है। जैसे कि
त्रिभुज एबीसी में आपको कोण ए और कोण सी का माप पता है, तो इसीलिए आपको कोण बी का माप भी पता है। और इसी प्रकार पी क्यू आर में भी आपको कोण बी का माप पता है। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि ए बी सी पी क्यू आर ए एस ए नियम के अनुसार भी सर्वांगसम है, क्योंकि एंगल ए और कोण बी और कोण क्यू बराबर हैं और उनकी अंतर्गत भुजा भी बराबर है, तो इसलिए ए एस ए नियम के अनुसार भी त्रिकोण ए बी सी और त्रिकोण पी क्यू आर सर्वांगसम है। अब हम ये सीखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, तो हम ये कहेंगे कि भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर होगी, भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी और भुजा सी बी भुजा आर क्यू के बराबर होगी। इसी प्रकार कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। अब हम इस संकल्पना की मदद से इस प्रश्न को हल करने की प्रयत्न करेंगे। प्रश्न ये है कि अगर बिंदु ए रेखाखंड BC के लंब सम द्विभाजक पर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की दूरी बिंदु बी और सी से समान है, अर्थात ए बी बराबर ए सी। तो हम ये कहेंगे कि BD भुजा की लंबाई DC भुजा की लंबाई के बराबर है, क्योंकि AD एक स्वयं द्विभाजक है। और हम ये भी कहेंगे कि ADB कोण ADC कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं, क्योंकि AD एक लंब स्वयं द्विभाजक है और AD AD के बराबर है। इसीलिए SAS नियम के अनुसार त्रिकोण ADB और त्रिकोण ADC सर्वांगसम है। और चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए AB AC के बराबर आ गया है। अब हम वैकल्पिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या आप बिंदु O ज्ञात कर सकते हैं ताकि O की दूरी बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C से समान हो, अर्थात OC बराबर OB बराबर OA हो। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पिछले प्रश्न के परिणाम की जरूरत पड़ सकती है। अब हम SSS नियम के बारे में जानते हैं। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो दो त्रिभुज SSS नियम के अनुसार सर्वांगसम होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दे रखे हैं और बता रखा है कि भुजा AC बराबर भुजा RP, भुजा AB बराबर भुजा RQ और भुजा BC बराबर भुजा QP। तो SSS नियम के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज RPQ के। इसी प्रकार RHS नियम यह कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और दूसरी भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दो त्रिभुज RHS नियम के अनुसार सर्वांगसम होते हैं। अब हम एक प्रश्न हल करेंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से नियम सर्वांगसमता के नियम है। AAS नियम, SSA नियम, AAA नियम, ASA नियम, SSS नियम, SAS नियम। तो इसका हल ये है कि AAS नियम सर्वांगसमता का नियम है, SSA नियम सर्वांगसमता का नियम नहीं है, AAA नियम सर्वांगसमता का नियम नहीं है, ASA नियम सर्वांगसमता का नियम है, SSS नियम सर्वांगसमता का नियम है और SAS नियम भी सर्वांगसमता का नियम है। ये दो नियम सर्वांगसमता के नियम नहीं है। इसको हम समझने के लिए ये देख सकते हैं कि त्रिकोण ABC और त्रिकोण DEF में सारे कोण बराबर हैं, पर
दोनों का आकार बराबर नहीं है, इसीलिए ए बी सी और डी ई एफ सर्वांगसम नहीं है। तो ये ए ए ए का एक उदाहरण था। एस एस ए नियम में अपन ये देख सकते हैं कि ये दो जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं इसमें दोनों का आकार सेम नहीं है, पर उनकी भुजाएं और कोण सेम है, तो इसीलिए एस एस ए नियम भी सर्वांग समता का नियम नहीं है। आज हमने इस वीडियो में ये सीखा कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है और सर्वांग समता के नियम क्या हैं और कितने प्रकार के हैं, और हमने सर्वांग समता पे प्रश्न भी हल किए हैं।